हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथ्स प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो ऑन अ सर्कुलर बोर्ड डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 to 8 व्हिच आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो विल पॉइंट एट एन ऑड नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 3, अ नंबर लेस देन 9। एक सर्कुलर बोर्ड गिवन है, ये बोर्ड 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। आप देख रहे हैं 1 to 8 नंबर्स राइट किए हुए हैं एंड सारे पार्ट इक्वली डिवाइडेड हैं। हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि ये एक एरो है जो घूम रहा है, ये जस्ट एक टाइप का गेम है और हमें ये बताना है कि ये एरो एक ऑड नंबर पे रेस्ट करे, एक ऑड नंबर को पॉइंट करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस क्वेश्चन में ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कितने ऑड नंबर्स हैं। इस सर्कुलर बोर्ड पे हम देखते हैं पहला ऑड नंबर होगा 1, सेकेंड 3, 5 एंड 7। ये चार नंबर ऐसे हैं जो इस सर्कुलर बोर्ड पे ऑड नंबर्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए, ऑड नंबर के लिए फेवरेबल कंडीशन होगा 4, जो होगा 1, 3, 5 एंड 7। हमें यहाँ पे क्या नंबर है इससे नहीं मतलब है, हमें ये देखना है कि ये टोटल कितने नंबर्स हैं। तो ये टोटल 4 नंबर्स हैं। अब देखते हैं टोटल आउटकम क्या होगा। ये होगा, अब देख रहे हैं ये टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड है एंड 1 to 8 नंबर्स मार्क किए हुए हैं, तो टोटल आउटकम होगा 8। देन हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर इक्वल्स टू होता है फेवरेबल आउटकम्स, जो 4 है इस ऑड नंबर के लिए, अपॉन टोटल आउटकम्स 8 होगा। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 1 4 एंड 4 2 8, ये होगा 1/2 एंड 1/2 होगा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करते हैं, जो है अ नंबर ग्रेटर देन 3, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब हम इस सर्कुलर व्हील में चेक करते हैं कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन 3 हैं। तो फर्स्ट होगा 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये टोटल 5 नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन 3 हो। देन इस सेकेंड पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स होगा फॉर नंबर ग्रेटर देन 3, ये हो जाएगा 5। आप देख रहे हैं ये 5 नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन 3 हैं एंड टोटल आउटकम्स 8 होगा, जो सभी पार्ट के लिए सेम है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 3 इक्वल्स टू हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स 5 अपॉन टोटल आउटकम अपॉन 8। तो इस सेकेंड पार्ट का आंसर होगा 5/8, जो इस सेकेंड पार्ट का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अ नंबर लेस देन 9, जो नंबर 9 से छोटे हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से 1 to 8 नंबर्स राइट किए हैं, जो सारे के सारे 9 से लेस देन हैं। देन फेवरेबल कंडीशन, नंबर लेस देन 9 इक्वल्स टू होगा 8, क्योंकि सारे नंबर लेस देन 9 है एंड टोटल आउटकम्स होगा 8, बिकॉज कि ये टोटल 8 ही है। देन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9 इक्वल्स टू अ फेवरेबल कंडीशन 8 अपॉन टोटल आउटकम्स 8, देन हो जाएगा 8/8। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 to 8 कैंसिल करें तो इक्वल्स टू 1 आएगा, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हम इस क्वेश्चन का तीनों पार्ट कर चुके हैं, आप क्वेश्चंस को कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस को एक बार कर लेना काफी नहीं होता, आप उसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी इजीली समझ में